अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल में वीडियो को देखने का, लाइक करने का, कमेंट्स करने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को प्रमोट करने का और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करने का भी आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज एक और व्यूअर्स, मेरे पास एक स्कैनर आया है तो उससे छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन ये फॉल्ट ऐसा है कि अगर आपको ना पता हो तो आप ये शॉप तक ले जाते हैं इसको, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ये देख लें, ये माइनर सा प्रॉब्लम होता है जिस वजह से आप ये प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसका। ये स्कैनर है एप्सन का, है DS1630। इस स्कैनर में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं अभी इसका मैं प्रिंट स्कैनिंग यहाँ पर करता हूँ सिस्टम से, इसको हम सबसे पहले ये स्कैन की कमांड में दूंगा, इसको यहाँ से ADF सेट करूँगा। ADF सेट करने के बाद जब स्कैन करूँगा तो इस पे जो इश्यू आता है वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करना चाहता हूँ। ये देखें, पेपर यहाँ पे जैम हो गया है और स्कैनर की लाइट एरर पे आ गई है। इसका प्रॉब्लम जो है वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। स्कैनर को जब आप मेन कवर उतारेंगे तो आप ये देखें, ये पेज आके यहाँ पे स्टक हो गया, रुक गया, जिस वजह से वो पेपर आगे मूव नहीं कर रहा है। तो पहले हम ये पेपर निकाल लेंगे, इसमें से पेपर निकालने के बाद उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये देखें, इस पर ये कवर उठाएँगे, ये 7 लॉक हैं, इसको प्रेस करें, साथ ही इसको प्रेस करके ये बाहर निकाल लें। इस लॉक का व्यूअर ये देखें, ये ऊपर की तरफ आया हुआ प्लास्टिक, इन सबको आपने नीचे की तरफ मूव करना है, जितने भी हैं, एक ये दो बने हुए हैं, इसको आपने इस पर लॉक कर देना है। ये जब लॉक कर देंगे ये बाकी प्लास्टिक सारा नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको ऊपर से फोल्ड करके ये देखें, अब ये सारा इस तरह है। अब इसको हम वापस इसको व्यूअर को लगा देंगे। सिर्फ इसमें इतना सा प्रॉब्लम था जिस वजह से कर रहा था, ये लॉक इसके बैठ के, इसको दोबारा से हम वही पेज रखेंगे और इसको फिर हम स्कैनिंग देंगे। इसका पहले ये एरर रिमूव कर लें, इसको मैं ऑफ करता हूँ एक दफ़ा। ऑफ हो गया, अब मैं इसको ऑन किया। दोबारा ऑन करने के बाद इसकी लाइट स्टेबल हो जाए, फिर मैं इसको दोबारा से स्कैनिंग करता हूँ। लाइट स्टेबल हो गई है, अब इसको मैं दोबारा से करके इसका ये फ्लैट बेल्ट को भी है, हमने फीडर को सेलेक्ट किया, स्कैन किया। ये देखें, आप पेपर स्मूथली लेके जा रहे हैं और नीचे से आउट हो रहे हैं। प्रॉब्लम इसका सिर्फ इतना सा ही था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको अगर कोई इस तरह का छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो वो आप खुद इसको घर पे ही सॉल्व कर सकें। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से दिन ब दिन जो मेरे पास चीज़ आती है, जो भी छोटा मोटा फॉल्ट हो, मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप, लेकिन इसमें मैं क्लियर करता चलूँ कि कई लोगों के कमेंट्स में ये बात आती है कि ये बच्चों जैसे आप आंसर मुझे बता रहे हैं, लेकिन ये है कि ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादातर होती है जो नए यूज़र हैं, जिनको स्कैनर प्रिंटर्स के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, जिनको ये वीडियो देख के ये छोटे मोटे प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल हैं, ज़ाहिर बात है प्रोफेशनल के लिए ये तो बच्चों वाली बात होगी, ABC होगी, लेकिन ये मेरी वीडियो ज़्यादातर इस तरह की वीडियो उन लोगों के लिए होती है जो नए यूज़र हैं, घर में यूज़ कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उस प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व कर सकें। तो इसके साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो नए यूज़र हैं। और मैं आगे भी जो भी मुझे प्रॉब्लम छोटी मोटी मैं देखते जाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ साथ गायब जाए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।